नमस्कार जी, पुरवैया देख रहे हैं आप और मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो गुमला से मिल रही है। पीएलएफआई उग्रवादियों का उत्पात देखा जा रहा है। गुमला में तीन गाड़ियों में उग्रवादियों ने आग लगाई है। घटना घाघरा थाना इलाके की बताई जा रही है। एक बार फिर से बता दें आपको, गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएलएफआई के उग्रवादियों ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। उग्रवादियों ने तीन वाहनों में आग लगा दी है और कई मजदूरों को पीटने की भी खबर है। ये पूरा मामला है घाघरा थाना इलाके का। मुकेश कुमार सोनी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे पूरा मामला क्या है, अपडेट्स क्या दे रहे हैं आप? जी रश्मि, पीएलएफआई के उग्रवादियों ने आज सुबह सुबह ही अभी मतलब मंच में उठे और तीन गाड़ी को आके हवाले किए। और ये भी बात बताया जा रहा है कि मजदूर को पिटाई करके उसको भगा दिया गया और उसके बाद उस जितना भी डीजल थे उस डीजल को गोली मारकर और पुलिस अब इतना देरी बीत जाने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई है। मुकेश, अब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई है, ये कह रहे हैं आप? जी, पुलिस की तरफ से इतनी देरी क्यों बरती जा रही है? एक्चुअली बिमरला माइंस नक्सली इलाके क्षेत्र पड़ते हैं, जिसके कारण पुलिस अपना पूरा गतिविधि को देखते हुए पुलिस की लेट हो जा रही है। वो माओवादी का नक्सल इलाका है और जिसके कारण एसपी से मेरी बातचीत हुई है तो जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचने की बात की गई है। जी जी बिल्कुल, तो नक्सल प्रभावित इलाका है जिस वजह से पुलिस को मौके पर पहुंचने में थोड़ी देर जरूर हो रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है क्योंकि उग्रवादियों ने, पीएलएफआई के उग्रवादियों ने दहशत मचाने की कोशिश की है गुमला में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए जुड़ते रहेंगे आपके साथ।